अली भाई, पहला सवाल आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करते हुए जो जख्म लगे, इनकी जो गिनती शिया ज़ाकरीन की तरफ से बतलाई जाती है, इनकी क्या हकीकत है? सुन्नियों का मौकिफ क्या है कि हुसैन अलैहिस्सलाम पर कितने मुजालिम हुए थे? शिया ज़ाकरीन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग जब हजारों के लश्कर में एक शख्स घुस जाए और तलवार से कोई शख्स उसका मुकाबला ना कर सके, वो ऐसी तलवार चलाए और उसके हाथ में वो तलवार है जो रसूलुल्लाह की तलवार है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब शाम से वापस आए, उनके पास नबी अलैहिस्सलाम की वो तलवार थी जो हजरत हुसैन की शहादत के बाद उनके पास आ गई। इमाम सज्जाद जो के बेटे थे उनके, तो मिस्वर इब्ने मखरमा आए, उन्होंने कहा हजरत ये आप मुझे दे दें, मुझे लगता है कि ये हुक्मरान आप पे गालिब आ जाएंगे, आपसे छीन लेंगे, का मैं ये नहीं दूंगा। और वो तलवार वो थी जो रसूलुल्लाह की तलवार, उसमें अल्फाज है ये रसूलुल्लाह की तलवार जो मौला अली के पास रही, और मौला अली ने जंगे जमल सिफीन और नहरवान रसूलुल्लाह की तलवार के साथ लड़ी है, और वो तलवार फिर मौला हसन के पास आई, फिर मौला हसन से मौला हुसैन के पास, करबला भी मौला हुसैन ने उस तलवार के साथ लड़ी है, वो रसूलुल्लाह की तलवार थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देख लें जी किस तलवार के खिलाफ कौन लोग खड़े हुए हैं। तो वो कोई सामना कर तो नहीं सकता था लड़ाई, तो फिर तीर अंदाज मुकरर किए गए सैकड़ों की तादाद में जिन्होंने आप पे तीर चलाए, बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला, यहां तक कि आप जख्मों की ताब ना लाकर जमीन पर गिर पड़े, फिर जाके तलवार के जरिए वार किया गया और आपका सर काटा गया। इन लोगों पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत जिन्होंने हुसैन इब्न अली के साथ ये किया। और फिर वो जो सही बुखारी में 3748 है कि फिर वो सर काट के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने तश्त में रखा और वो छड़ी मारने लगा और उनके हुस्न में कराम किया, तो अनस इब्न मालिक ने कहा कि सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के हमशक्ल हुसैन इब्न अली थे। सही बुखारी 3748। तो मैं बहुत बड़ा जुमला बोलने लगा हूँ, शिया ज़ाकरीन जो कुछ बयान कर रहे हैं ना, हजरत हुसैन की शहादत और उनको लगे हुए जख्म, रियलिटी इससे भी ज्यादा होनलाक। जब सैकड़ों लोगों के तीर चलाए जाएं तो जिस्म में कोई एक इंच भी जगह बाकी नहीं रहेगी कि जहां पे सैयदना हुसैन इब्न अली को जख्म ना लगे। तो मैं तो कहता हूँ इससे ज्यादा जख्म है जितना वो बयान करते हैं जी। नेक्स्ट।